हेलो एवरीवन, आज है 9 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 345 रुपये का शेयर है और आज ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है। पिछले एक महीने में ग्राफ देखो तो एक मेजर फॉल से गुजरा ज़रूर था। ये 360 से लगातार गिरा था, 330 पर चला गया था इंट्राडे में ये, लेकिन कल बेहतरीन तेज़ी आई और कल खबर भी अच्छी आई थी इस कंपनी को लेकर। लेकिन आज देखे तो ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से बाजार में बहुत ज़्यादा हलचल है। यहाँ पर भी मेजर फॉल आया लेकिन फ़ौरन से रिकवरी भी हमें लौटती नज़र आती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भैया इस दिवाली कोई ना कोई धमाका यहाँ पर ज़रूर होने वाला है। बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल 345 रुपये का शेयर, एक महीने में 1% की तेज़ी और एक साल में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 57% का ग्रोथ है। इस बीच ऑलमोस्ट पैसा डबल भी करा था इसने, 202 रुपए से 395 पर गया था यह शेयर, लेकिन उसके बाद एक मेजर फॉल से गुजरा ज़रूर था। ये 310 तक आ गया था, एक अच्छी तेज़ी दिखाई, वहाँ से 360 पे गया, वापस एक मेजर फॉल आया क्योंकि पिछला हफ्ता बाज़ार के लिए बहुत ख़राब था तो गिरावट देखने को मिली और कल अच्छी रफ्तार यहाँ पर आई ज़रूर थी। थोड़ी बहुत तेज़ी रिकवरी लौटी है, बेहतरीन रिकवरी मैं कहूँगी देखने को मिली है। और देखो, मैं मानता हूँ कि इस कंपनी के शेयर में मैं मेजर फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बाज़ार अगर बहुत बड़ी गिरावट दिखाता भी है तो बहुत बड़ी गिरावट मैं इस कंपनी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। रीज़न यह है कि इसका जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खबरों का बाज़ार यहाँ पर गर्म होने वाला है। जैसे कि कल अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी क्योंकि खबर आ गई कि भैया सेबी ने अप्रूवल दे दिया है म्यूचुअल फंड बिजनेस जो ये लोग सेटअप करे ब्लैक रॉक के साथ मिलकर उसको लेकर, तो उसके चलते कल हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पर देखोगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर जो है वो 345 रुपये के आसपास रहा, जो कि अच्छी रफ्तार है। और अगर हम देखने की कोशिश करें इस कंपनी में तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल इन इट्स रिलीज ऑन 4 अक्टूबर से द सिक्योरिटी एक्सचेंज जो सेबी हैज़ ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द कंपनी एंड ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक टू एक्ट एज अ को स्पॉन्सर्स एज सेटअप अ प्रपोज म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड पूरा सेटअप करने वाले हैं ये, और मुझे लगता है कि दिवाली में शायद बड़ी अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकती है इनके म्यूचुअल फंड्स को लेकर या फिर इनके इंश्योरेंस को लेकर। और तब तक जो हम लाइसेंस की बात करें, ठीक है कि लाइसेंस इनको मिलना है, अगर जैसे मिलेगा तेज़ी आ जाएगी, तो शायद ये चीज़ें आपको दिवाली में आपको नज़र आ सकती है और बड़े मार्केटिंग कैंपेन भी जो है वो शायद आपको उस टाइम पर नज़र आ सकते हैं इस कंपनी को लेकर। हालांकि द फाइनल अप्रूवल फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी ग्रांटेड बाय सेबी सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट बाय द कंपनी एंड ब्लैक रॉक ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो देखो, फाइनल स्टेज पे सब कुछ है यहाँ पर और बहुत जल्दी चीज़ें आपको पैन आउट होती नज़र आने वाली है। यहाँ पर देखो 50-50 का जॉइंट वेंचर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है कंपनी का, और ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा फंड हाउस है भाई साहब, और उनके साथ इनका पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही है। और यहाँ पर अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो देखो कंपनी एक नहीं कई सारे बिजनेस करने वाली है। इनका ऑलरेडी जो बिज़नेस अभी के टाइम पर एग्जिस्टिंग है वो तो इंस्टेंट लोन का है ही है, लेकिन इसमें भी ये लोग एक स्टेप और जाएंगे और ये होम लोन वाले सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं, होम लोन भी देना स्टार्ट करने वाले हैं ये, म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी लोन देना स्टार्ट करने वाले हैं ये। तो जो लोन टिकट का साइज़ होगा वो बढ़ जाएगा, तो रेवेन्यू प्रॉफिट आपको एकदम से इनके इंक्रीज होते आपको नजर आएंगे जब ये सारा बिजनेस ओपन अप होगा तब। इंश्योरेंस बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा, और जियो की स्पेशलिटी ये है कि भाई साहब इनके पास यूज़र बेस बहुत ही तगड़ा है जिसको ये आराम से रीच आउट कर सकते हैं। अगर कोई नई कंपनी होती है इंश्योरेंस में, अगर कोई नई कंपनी आती है तो भाई साहब उसको बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जियो के पास ये है कि एक ब्रांड ट्रस्ट है, लोगों का ट्रस्ट है कि भैया कुछ नहीं होगा, टिकी रहेगी कंपनी सालों साल। और दूसरी बात यह है कि अच्छा खासा यूज़र बेस है इनके पास जिसको ये लोग आराम से मोनिटाइज कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग की बात करो, UPI पेमेंट्स की बात करो, म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें वहाँ पर भी है, असेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट अगर आप देखो यहाँ पर डिजिटल, इसके अलावा अगर हम ब्रोकिंग बिजनेस में भी एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ये लोग ब्रोकिंग बिजनेस में भी, और फाइनेंस रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी वो इनकी जियो फाइनेंस ऐप पे आपको मिल जाएगी सारी की सारी शॉर्ट आउट। तो ऑलरेडी ऐप लॉन्च हो भी चुकी है, लेकिन बड़े पैमाने पर रोल आउट आपको जब इनके सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे तब आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर। तो कम से कम देखो कंपनी गेम तो बड़ा खेल रही है, उसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक आज की बात करें तो ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास का शेयर ट्रेड हुए, बाज़ार जस्ट अभी खुला है। कंपनी के बारे में देखो तो 395 रुपये तक का हाई बनाया था, 202 रुपये तक का लो भी है, मार्केट कैप इसका 2,19,000 करोड़ से भी ज़्यादा का। काफ़ी लोग ये आर्ग्यूमेंट भी देते हैं कि भाई साहब
बड़े बड़े जो बैंक्स हैं उनके मार्केट कैप के बराबर इनका मार्केट कैप है, वो भी तब जब जियो उतना प्रॉफिट भी नहीं कर रहा है, उतना रेवेन्यू भी नहीं। लेकिन आपको समझना होगा कि इनका इन्वेस्टमेंट कितना तगड़ा है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में तकरीबन 6.5% का हिस्सा जो है वो जियो फाइनेंशियल के पास है, उसी का अगर आप वैल्यू निकालते हो तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास वही वैल्यूशन निकल कर आ जाता है उसका, बाकी इन्वेस्टमेंट तो अलग से रहे। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि भाई साहब फ्री के शेयर्स हैं ऑलमोस्ट अभी भी इस रेंज पर भी। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो कहीं ना कहीं मौके बनेंगे यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए जियो फाइनेंशियल्स को लेकर, तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र खरीदारी करने की बात कर रहे हैं, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं करे, मैं भी नहीं करूँगा। और कंपनी के अगर आप इनसाइडर ट्रांजेक्शन देखोगे तो खरीदारी के ही हमें नज़र आए हैं, मार्केट से परचेस करे हैं जो रिलेटिव्स हैं वो, ठीक है। 2024 में और 23 में तो बहुत ज़्यादा खरीदारी हुई थी यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी में, तो देखिए डिविडेंड अभी तक कंपनी पे नहीं कर रही, देखो मुझे नहीं लगता कि पे करेगी आने वाले 2-3 सालों तक। रीज़न है कि कंपनी अभी एक्सपांशन के मूड में है, तो लगातार पैसा इन्वेस्ट करने वाली है अपने अलग अलग बिजनेसेस में, चाहे म्यूचुअल फंड का हो, इंश्योरेंस का हो, ब्रोकिंग का हो, ठीक है, रेंटिंग का भी बिजनेस इनका होने वाला है, वो भी यहाँ पर है। तो पूरा इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस होने वाला है अभी के टाइम पर। और जहाँ तक हम बात करें वैल्यूएशन को लेकर, तो महंगा ज़रूर है, 135 का इसका पी रेशो, सेक्टर पे 18 का। लेकिन हमें समझना ये भी होगा कि मार्केट इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रख के इसका वैल्यूएशन दे रहा है, क्योंकि अभी अगर आप इनके फाइनेंशियल देखोगे तो वो बहुत ख़राब है, कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। वही 480 करोड़ के आसपास के ही रेवेन्यू सेप्टेम्बर में ज़्यादा देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि रिलायंस से डिविडेंड आता है, ठीक है, तो इसी टाइम पे आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट भी। लेकिन एक्चुअली में 500 करोड़ से भी कम कहीं का रेवेन्यू है, और प्रॉफिट हर बार 300 करोड़ में सिमट जाता है, इनका ग्रोथ नहीं है यहाँ पर। लेकिन आने वाले टाइम में जब कंपनी इनके लोन का बिजनेस में और बड़ा, मतलब जो होम लोन वाला ऐड करेगी, और यहाँ पर आपको रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ते नजर आएंगे, जब इनका इंश्योरेंस का बिजनेस ओपन होगा, इनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस ओपन होगा, इनका ब्रोकिंग का बिजनेस ओपन होगा, आपको बड़े पैमाने पर रेवेन्यू में डबल ट्रिपल आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक ही क्वार्टर में डबल भी हो जाएंगे इनके नंबर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, और तब इसका पी रेशो भी एडजस्ट हो जाएगा, तब इसका पी रेशो भी एडजस्ट होगा। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि देखो बेचने के मौके तो है ही नहीं। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं पहले ही कहता हूँ कि हर 10% के डिक्लाइन पर खरीदो और भूल जाओ, और यहाँ पर 4-5 साल का गेम खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। और 4-5 सालों में जितने भी बिजनेसेस हैं ना, उसमें से एक दो बिजनेस अलग भी होंगे, डीमर्ज भी होंगे आने वाले टाइम में। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, तो प्रमोटर की होल्डिंग 47.12% की है, 4.04% म्यूचुअल फंड के पास है, 7.84% डोमेस्टिक के पास है, 17.55% यहाँ पर FIIs लेकर बैठे हैं। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर 15.82% पर है, और जो अदर पार्टी है वो 7.62% पर है। और अब लिस्टिंग से लेकर अब तक जो इंस्टीट्यूशंस है वो लगातार बेचते ही आए हैं यहाँ पर। लेकिन मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में वो अपना होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। रीज़न ये है कि चर्चाएं भी हो रही है कि अलग अलग इंडेक्स में इसको जगह मिल सकती है, निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर BSE 100 में जगह मिलने की खबरें भी आ रही थी इनकी, ठीक है, इवन मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स में भी जगह मिलने की खबरें हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इनफ्लो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, अगर किसी इंडेक्स में इसको जगह मिल जाती है तो नज़र रखिएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जियो फाइनेंशियल को लेकर, तो अगेन कंपनी ख़राब नहीं है, मुझे पसंद है ये कंपनी। मैं पहले ही इवन जब गिरावट पे था, ठीक है, मिल रहा था 250 रुपये के नीचे, कई सारे मेरे वीडियो से खरीदो और भूल जाओ, मैं अभी भी कहूँगा कि खरीदो और भूल जाओ। लेकिन अभी आपका जो अप्रोच है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी मार्केट जो है वो एटलीस्ट मुझे लगता है कि दिवाली तक अच्छा रहने वाला है। हालांकि बीच बीच में एक दो दिन बड़े बड़े झटके भी दिखाएगा, गिरावट भी दिखाएगा, लेकिन दिवाली तक अच्छा रहेगा मार्केट। मेजर फॉल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो दिवाली के बाद है। और अगर दिवाली में इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया अपने अलग अलग बिजनेस ओपन अप होने का, इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड, तब तो और बड़ी चीज़ आएगी। हालांकि अनाउंसमेंट होनी चाहिए, जो कि हम इंतजार ही कर रहे हैं, अभी तक हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि दिवाली में ये चीज़ें होती नजर आए और चीज़ें बेहतर हो। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।